नमस्कार दोस्तों, फिश हंटर में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि उन्होंने इतना प्यार दिया। और आज एक फिर से फिशिंग बाइट के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप एक अलग तरीके से फिश बाइट बनाकर किस तरह फिशिंग कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है मैंने 3 दिन पहले ही अप्लाई किया था और मैंने इसमें करीब 4.5 किलो मछली पकड़ी है। और कौन कौन सी मछली पकड़ी थी मैंने? माशिर, हिलसा और तिलपाई, ये 3 प्रकार की मैंने मछली पकड़ी थी। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो इस प्रकार है। इसके लिए आपको ये डबल रोटी यानी कि ब्रेड लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको ये शहद लेना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों से हम ये जो बाइट्स है, ये जो चारा बनाएंगे मछली का, इसी से बनाएंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो ब्रेड है इसका पीस है वो निकाल लेंगे। अब ये जो ब्रेड का पीस है इसको हमें करना क्या है, ये जो जला हुआ है इधर का ये कॉर्नर का, ये जो साइड में है इनको नहीं लेना है, इनको हटा के हमको ये जो बीच का है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो मछली होती है इनको अगर हम ये जला हुआ यूज़ करेंगे, इनको अगर हम जला यूज़ करेंगे तो मछली चारे को खाएगी नहीं। तो हमको ये सब इसके बीच का हिस्सा लेना है। खाली हम बीच का हिस्सा लेंगे। इस प्रकार आप, और ये बहुत ही आसान भी तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो घर पे। ये तो चला हुआ, इसको हम नहीं लेंगे। ये जो तरीका है इससे मैंने बहुत सारी मछली पकड़ी है और ये आसान भी पड़ता है। उसको आप लोग एक बार जरूर आजमाएं क्योंकि इससे मैं आजमा चुका हूँ। हाँ, मांगुर वगैरह फिश इसमें से नहीं आएंगी, लग जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें मांगुर वगैरह इसमें इस चारे से फंसती हैं। छोटी मछलियाँ ज़्यादा इसमें फंसती हैं, छोटी मछलियों के लिए ज़्यादा अच्छा सुटेबल रहता है। तो ये हमने इस प्रकार इसका ये ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम शहद मिलाएंगे। शहद कितना देना है? ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा मिलाना है। एकदम अगर मैं बोलूँ तो 1 चम्मच की क्वांटिटी के हिसाब से आपको इसको ऐड करना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। एक नंबर शायद है, पतंजलि का है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल इसको थोड़ा डालना है क्योंकि इसको हमको लास्ट में टाइट भी रखना है। और बहुत ही सिंपल है, आप जो लोग आटे का यूज़ करते हैं वो आटे की जगह आप इसको यूज़ करोगे तो मछली फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसकी खुशबू जो है अलग ही है, एकदम मीठा आटा जैसा रहता है, तो इस वजह से मछली इसको जल्दी खाती हैं। और देखो किस तरह एकदम बढ़िया बन गया है। और हानी देने से क्या हो जाता, थोड़ा सा टाइट हो जाता है ये।
और इस ये जो तरीका है मैंने 3 दिन पहले ही अप्लाई किया था, और करीब छोटी मछलियाँ जो हैं मैंने 4.5 किलो के करीब पकड़ी थी, वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर। और मेरा ये ख़त्म हो गया था चारा, इस वजह से मैं फिर वापस आ गया। तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि यदि आप इस टेक्निक को अपनाओगे तो 101% आपको ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट चारा डाल देंगे और हमारी मछली आ जाएगी, क्योंकि एक फिशरमैन को धैर्य चाहिए फिशिंग करने के। थोड़ा सा आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। मेरे घर में सभी शिकारी हैं, और खासकर जो फिशिंग का मामला है उस पर कुछ ज़्यादा ही। तो हमारे घर में फिशिंग करना सबको बहुत पसंद है। अब ये देखिए, ये पूरी तरह से रेडी है, ठीक है, एकदम महीन जैसे बन गया है। तो अब इसको आप फिशिंग करने से पहले थोड़ा सा आधे घंटे के लिए इसको किसी डब्बे के अंदर पैक करके रख सकते हैं, और इसके बाद आप इसको फिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कारगर है, आप इसको एक बार ट्राई करें और कमेंट में बताएं अगर आपको सफलता मिलती है। थोड़ा सा पेशेंस भी रखें फिशिंग के दौरान, क्योंकि किस्मत भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने ये जो तरीका है ये मेरा कारगर हुआ है साबित, इसीलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई है। और इसको आप ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्दी दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।